आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। पर में ये भी लिखा है कि ये नरेंद्र मोदी की टीम की सुषमा स्वराज है। मुझे लगता है मुझे और 30 जन्म लेने पड़ेंगे सुषमा जी के स्तर तक पहुंचने के लिए। सुषमा जी का नेतृत्व अपने आप में अनोखा इसीलिए है क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो संगठन में आरक्षण की वजह से हूँ, ये भी एक सत्य है। और ये आरक्षण संगठन में तब आया जब राजनाथ जी ने सुषमा दीदी और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ ये ठाना कि सिर्फ महिला आरक्षण पर सार्वजनिक चर्चा करने से ही बदलाव की दिशा में हम लोग नहीं चलेंगे। ज़रूरी ये था कि हम अपने संगठन के संविधान को खुद बदलें और 33% आरक्षण महिलाओं को संगठन में दें। तो संगठन में आरक्षण की वजह से मेरा प्रमोशन प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हुआ। लेकिन सुषमा जी का जो एक पूरा कार्यकाल रहा है, एक पूरी जर्नी रही है, वो बिना किसी रिजर्वेशन के सहारे के रही है। तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में तुलना भी सूरज को दिया दिखाना है। अब एक बात जो छपी है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बारे में अच्छा अच्छा जो छपता है वो कभी नहीं पढ़ते। अब मैं अच्छा ही पढ़ने वाला था। अच्छा, इसमें लिखा है स्मृति राजनीति में इतना आगे आ गई हैं कि उन्होंने राजनीति की खुरदरी जमीन पर खुद को अच्छी तरह स्थापित कर लिया है। उन्हें मोदी ब्रिगेड की सबसे अगुआ महिला बताया जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की परिभाषा को करना भी गलत है।